डायमंड विलेज के अंदर जो भी अधिकारी है, जो भी डायमंड विलेज के जो भी अधिकारी है, उच्च अधिकारी है, ऑनर है, एचआर है, मैनेजर है, जीएम है, जो भी अधिकारी है, इनके मोबाइल नंबर जो आपके डायमंड विलेज के अंदर आते हैं और जाते हैं, तो उन सब लोगों का नंबर आपके मोबाइल के अंदर सेंड होना चाहिए। सभी सिक्योरिटी गार्ड और सुपरवाइज़र इस बात का ध्यान रखें कि डायमंड विलेज के जो अधिकारी है, उच्च अधिकारी है, ऑफिसर है, ऑनर है, मालिक है, जब भी ये आते हैं तो उनका नंबर आपके मोबाइल में सेंड होना चाहिए, क्योंकि कोई घटना या दुर्घटना घटती है, कोई ऐसी आफत आती है, तो आप डायरेक्ट फ़ोन पर बात भी कर सकते हैं। इसलिए उच्च अधिकारी और ऑफिसरों का नंबर आपके मोबाइल के अंदर सेंड होना चाहिए। आपका मोबाइल मैं चेक करूंगा, आपके मोबाइल के अंदर डायमंड विलेज के जो अधिकारी है, ऑफिसर है, इनका नंबर आपके मोबाइल में सेव होना चाहिए। अपने कर्तव्य के दौरान, अपनी ड्यूटी के दौरान डायमंड विलेज के अंदर सख्त से सख्त मना है माचिस, बीड़ी, गुटखा, तम्बाकू, लाइटर, सिगरेट, चाकू, छुरी, पिस्टल, रिवॉल्वर या शराब या नशीली वस्तु डायमंड विलेज के अंदर ले जाना सख्त से सख्त मना है। इसलिए सिक्योरिटी गार्ड और सुपरवाइज़र अपने कर्तव्य के दौरान, अपनी ड्यूटी के दौरान हमेशा कॉन्ट्रैक्टर और ठेकेदार के आदमी, लेबर, हाउसकीपिंग वाले जो काम करने वाले आते हैं, इन पर नज़र रखो। इनका बैग, थैला, झोला चेक कर लो, कई इल्लीगल सामान तो नहीं है जो डायमंड विलेज पार विलेज के अंदर ले जाना सख्त से सख्त मना है। रात्रि पारी के अंदर, नाइट शिफ्ट के अंदर मोबाइल का इस्तेमाल कोई नहीं करेगा। दिन के अंदर भी मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करना है। वीडियो या फिल्म या गेम वगैरह या पिक्चर नहीं देखना है। आपके घर से फ़ोन आता है, आप बात करो, बेशक बात करो, लेकिन कम से कम समय में बात करो। अगर मोबाइल में व्यस्त रहेंगे तो कोई भी घटना या दुर्घटना घट सकती है। इसलिए अपने कर्तव्य के दौरान, अपनी ड्यूटी के दौरान मोबाइल का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं करना है। और रात्रि पारी के अंदर कोई भी सिक्योरिटी गार्ड सोने की कोशिश नहीं करे, ड्यूटी जग के करे, पूरा पेट्रोलिंग करते रहे, गश्त लगाते रहे, देखे गाय, बकरी, भैंस या कुत्ता या कोई अनजान व्यक्ति, यहाँ पर शराब पीना मना है, यहाँ पर विमल गुटखा खाना मना है, यहाँ पे सिगरेट बीड़ी पीना मना है, तो आपको उनको मना करना है नम्रता और प्रेम से। अगर गाय, बकरी, भैंस चराने वाले आते हैं तो उनको यहाँ पर मना करना है प्यार मोहब्बत से। अपने एरिया के अंदर, अपने क्षेत्र के अंदर, अपनी ड्यूटी के अंदर कोई भी ऐसी घटना या दुर्घटना नहीं होने देना है, जैसे चोरी नहीं होने देना है, तोड़फोड़ नहीं होने देना है, मारपीट नहीं होने देना है। अपनी ड्यूटी के अंदर बिल्कुल परफेक्ट रहना है, सतर्क रहना है, अलर्ट रहना है, चारों तरफ ध्यान देना है, हर आने जाने वाले व्यक्ति पर नज़र रखना है। ईमानदारी, वफादारी, जवाबदारी, आपको अपने कर्तव्य का पालन हमेशा आपको करना है। बेईमानी नहीं करना है, निग्लिजेंसी नहीं करना है, लापरवाही नहीं करना है। अपनी ड्यूटी के दौरान बिल्कुल जवाबदारी और ईमानदारी से अपने कर्तव्य का पालन आपको करना है। अपनी ड्यूटी के अंदर, अपने कर्तव्य के दौरान कोई भी सिक्योरिटी गार्ड और सुपरवाइज़र मिसव्यवहार नहीं करना है। किसी से गाली गलौज या रंगदारी या मारपीट कुछ नहीं करना है, बिल्कुल नम्रता और प्रेम से बात करना है, क्योंकि हमारी वर्दी है नम्रता और प्रेम। हम लोग पुलिस की ड्यूटी करते हैं, हमारा काम है नम्रता और प्रेम से बात करना है, अच्छी से बात करना है और प्रेम से बात करना है। अपने कर्तव्य के दौरान, अपनी ड्यूटी के दौरान सिक्योरिटी गार्ड हमेशा प्रत्येक दिन दाढ़ी करेगा, हमेशा दाढ़ी करेगा, हर रोज हेयर कटिंग 15 दिन में एक बार करना है। कोई भी सिक्योरिटी गार्ड और सुपरवाइज़र इस बात का ध्यान रखे कि शेविंग
दाढ़ी हर रोज करना है, हेयर कटिंग 15 दिन में एक बार करना है, यूनिफॉर्म धुलाई किया हो और सेफ्टी शू के ऊपर कपड़ा या पॉलिश किया हो, टकाटक और बिल्कुल साफ़ सुथरा और अच्छा सा आपको ड्यूटी पर आना है।